उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में आज यानी कि 2 अक्टूबर को हर वर्ष की भांति रामपुर तिराहे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत सहित सैकड़ों लोग, जिनमें विधायक, अधिकारीगण एवं उत्तराखंड के आंदोलनकारी यहां बने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए शहीद आंदोलनकारियों को याद किया। मुजफ्फरनगर में हुई दिल दहलाने वाली इस घटना को बीते 24 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन करते हुए पुलिस की गोलियों के शिकार हुए व महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की इस घटना के पीड़ितों को आज भी इंसाफ नहीं मिला है। आज भी ये लोग इंसाफ की आस लगाए हुए बैठे हैं। महत्वपूर्ण काम किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हमने टेली मेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी और टेली कार्डियोलॉजी की भी हमने शुरुआत की है। और जो विशेषज्ञ चिकित्सक है वो देश के बाहर भी हैं, एक पूरी इंटरनेशनल चेन है, उसके साथ हमने उनको जोड़ा है। उस गांव को हमने, जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, उनसे जोड़ा है। और एक गांव को तो हमने अपोलो दिल्ली से जोड़ा है, जहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी हम लोग सहारा ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी 6-7 महीने में हमारी कोशिश है कि हर न्याय पंचायत तक OFC चली जाए, और उसके लिए हमारी बात भी हुई है। हमने अपने नीतिगत कुछ उसमें निर्णय भी लिए हैं इस बीच में, इस 15-20 दिन में। तो मुझे लगता है कि 5-6 महीने के बाद जो टेक्नोलॉजी का जो सहारा है वो हमारा, उसको हमको और बढ़ाएंगे। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है कि जिसमें हमने पहले ही 9 महीनों में देश के अंदर 147 ई हॉस्पिटल है, जिसमें से 45 उत्तराखंड में है। तो आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने, चाहे टेक्नोलॉजी हो, समिट को लेकर के हम लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि 40,000 करोड़ का करीब का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगा। लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आज 2 तारीख है, 30 तारीख तक हमारे पास 77,000 करोड़ का MOU साइन के लिए हमारे पास आ गए हैं, जिनमें से 66,000 करोड़ हम कर चुके हैं सर। बाकी MOU जारी हैं और अभी और लोग आ रहे हैं। प्रोमिनेंट एरियाज क्या हैं इसमें? देखिए, जो लोगों की जो बड़ी रुचि है, एक तो जो लोग वहाँ पर, जिनके उद्योग पहले से स्थापित हैं, एक तो लोग अपने उद्योग का विस्तार वहाँ पर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब ये कि उनको वहाँ पर अच्छा वातावरण, उनको वहाँ पर औद्योगिक वातावरण या औद्योगिक कल्चर जिसको कहना चाहिए, वहाँ पर उनको मिल रहा है। दूसरी बात, जो वहाँ पर आ रहे हैं, जो पावर के क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी, चाहे सोलर हो चाहे हाइड्रो की हो, उसमें लोग आ रहे हैं। जो ई व्हीकल हैं उसके लिए इंडस्ट्री वहाँ पर लोग स्थापित करना चाहते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा ज़बरदस्त क्रेज है उद्योग जगत में, और देश से नहीं, देश के बाहर के लोग भी हमारे पास आए हैं। US से आए हैं, सिंगापुर से आए हैं, थाईलैंड से आए हैं, जापान से आए हैं, ऐसे विदेशों में भी जो लोग रह रहे हैं, जो विदेशों में जिनका उद्योग है उसमें लोग आ रहे हैं। मेडी सिटी के लिए हमारे पास अनेक प्रस्ताव आए हैं, अरोमा पार्क हम लोग स्थापित कर रहे हैं। तो इस तरह से एक हम ये मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए भी एक पार्क हम लोग स्थापित कर रहे हैं। सर, अगर रामपुर तराहे कांड की बात की जाए, काफ़ी दिन हो गया, आरोपी को अब तक सजा नहीं मिल पाई है, केस अटका हुआ है। देखिए, अब ये न्यायालय में ये केस चल रहे हैं, और किस तरह से तथ्यों को छुपाया गया, तथ्यों को मिटाया गया, मैं समझता हूँ कि इस रामनगर तिराहे के लोग या आसपास के गाँव को लोग ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। तथ्यों को समाप्त कर दिया गया। तत्कालीन जो सरकार थी मुलायम सिंह यादव की, उन्होंने उन अत्याचार के निशान, जो निशानियाँ थी, जो सबूत हो सकते थे, उनको षड्यंत्र करके और उनको समाप्त किया। 365 दिनों में क्या 2 अक्टूबर को क्रांतिकारियों को याद किया जाता है, या और भी कोई दिन है जो इनको याद किया जाता है? सदैव याद किया जाता है।